इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग नौवीं प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 5 को बताने वाले। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 प्रश्नावली 1.5 और वर्ग है 9। इसमें प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। अब यहाँ पर हर होता क्या है, तो देखिए ऊपर वाला होता है अंश, ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, और नीचे वाला होता है हर, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। तो इसका क्या करना है प्रमेयकरण करना है, इस हर का क्या करना है प्रमेयकरण करना है। तो कैसे हम इसका प्रमेयकरण करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है। जैसे देखिए हम कर रहे हैं यहां पर, देखिए सबसे पहले लिखना है एक है तो एक, और बट्टे में लिखना है रूट में सात है तो रूट में सात, और इसमें क्या करना है गुना करना है। गुना कितना से करना है, यहां पर देखिए नीचे वाला ये जो हर है हर का प्रमेयकरण करना है, तो हर को क्या करेंगे ऊपर और नीचे से गुना कर देंगे, रूट सात बट्टे रूट सात, इतना से क्या करेंगे गुना कर देंगे। देखिए रूट सात ऊपर भी लिखेंगे और यही रूट सात नीचे भी लिखेंगे बट्टे में भी, और यहां पर देखिए जब इसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। यहां पर देखिए एक को जब सामने सामने क्या होता है गुना होता है, इसमें कर तो रहा नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे गुना करेंगे, सामने सामने गुना होता है तो एक को हम गुना करेंगे रूट सात से तो रूट सात प्राप्त होगा, तो रूट सात लिख देंगे और बट्टे में। यहां पर देखिए रूट सात को रूट सात से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहां पर देखिए हमें प्राप्त होगा सात। अब कहिएगा सात कैसे प्राप्त होगा, यही होगा इसका आंसर। अब इसको हम समझाते हैं, देखिए रूट सात को हमने गुना किया रूट सात से तो हमें सात प्राप्त हुआ। कैसे सात प्राप्त हुआ, तो देखिए आप लोगों को पता होगा हमने आपको बताया रूट में ए इंटू रूट में बी रहे तो हम एक ही रूट में लिख करके क्या करते हैं गुना कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं ए बी। तो यहां पर देखिए यहां पर ए की जगह पर है रूट में सात और यहां पर रूट बी की जगह पर रूट सात, तो हमने यहां पर क्या बताया जब दोनों अलग अलग रूट में हो तो हम एक ही रूट में लिख करके दोनों को गुना कर देते हैं। तो यहां पर हम गुना करेंगे एक ही रूट में लिख करके, यहां पर मान लेते हैं हम क्या करते हैं रूट में है सात और रूट में है सात, और इनको दोनों को गुना करते हैं एक ही रूट में लेकर के, तो सात को सात से गुना करते हैं तो सात सत्ते के 49, और इसका जब वर्गमूल यहां पर तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना सात। या तो फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहां पर देखिए जब रूट में हो दो बार, यहां पर देखिए दो रूट में हो, यहां पर इस तरह से हो रूट में सात गुने सात इस तरह से हो, इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं इस तरह से सात इंटू में सात सात गुने सात। तो हम क्या करेंगे इसको इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहां पर देखिए इसको हम इस तरह से अगर लिख सकते हैं तो इसमें से अगर रूट में दो संख्या हो और दोनों सेम संख्या हो तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको रूट से बाहर करने के लिए एक संख्या को लिख देते हैं, एक बार सात को लिख देंगे। इसमें दो बार है सात तो हम रूट से जब बाहर करेंगे तो एक साथ बाहर आ जाएगा, तो इसमें हम एक साथ क्या किया इस तरह से बाहर कर दिया, यहां पर बाहर आ गया, तो यही हो गया इसका उत्तर। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर, इसमें भी क्या करना है इसका हर का प्रमेयकरण करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह लिखेंगे, लिखेंगे एक बट्टे में जो है इसको वैसे ही लिख दीजिए रूट में सात माइनस में रूट में छ। अब इसको हम कितना से गुना करेंगे तो इसमें कहिएगा कि जो इसमें तो यहां पर रूट सात जिस तरह से इसमें किए उस तरह से इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी लिखना चाहिए यहां पर रूट में सात और यहां पर रूट में छ और बट्टे में रूट में सात माइनस में रूट में छ। तो इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है। देखिए ये हमारा एक पद ही था, यानी कि इसमें एक पद था और इसमें दो पद है, पहला पद हो गया रूट सात और दूसरा पद हो गया रूट छ, और यहां पर ये हमारा दो पद का होगा तो हम क्या करेंगे इनके पीछे जो चिन्ह होगा यहां पर ये माइनस का चिन्ह है तो उसको हम क्या करेंगे चिन्ह बदल करके गुना करेंगे, चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे। यहां पर माइनस है तो इसमें हम क्या करेंगे दोनों में प्लस का चिन्ह दे देंगे, इसमें दोनों में क्या करेंगे इस तरह से प्लस का चिन्ह देंगे और इसके बाद हम क्या कर देंगे इस तरह से गुना कर देंगे। तो यहां पर देखिए एक को गुना करेंगे रूट सात प्लस रूट छ से तो वही संख्या प्राप्त होगा रूट सात प्लस में रूट छ, यही हो गया, और इसको हम क्या करेंगे बट्टा में। अब कहिएगा इसमें जिस तरह से इसमें गुना होता है इसमें भी गुना होना चाहिए और इसमें भी, तो यहां पर देखिए ये हमारा अलग अलग पद है, ये रूट सात है और ये रूट छ है, ये गुना में नहीं, अगर गुना में होता तो हम एक ही रूट में लिख करके और इसको गुना कर देते, लेकिन इसमें गुना में नहीं ये प्लस में है तो इसको हम वैसे को वैसे छोड़ देंगे। और इसके बाद देखिये नीचे देखे तो यहां पर देखिये ये हमारा ए के स्थान पर और ये बी के स्थान पर, इसमें भी देखिए ये ए के स्थान पर ये बी के स्थान पर, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ये सूत्र पड़ा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप लोगों को पता होगा ये इसका सूत्र होता है। तो इसी पर हम तोड़ेंगे, यहां पर अभी इस रूप में दिया हुआ है और इसको हम क्या करेंगे इस रूप में बदलना है इन संख्याओं को। तो यहां पर हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें है ए की जगह पर कितना है रूट सात है, तो रूट सात का क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, रूट सात का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे,
और यहां पर देखिए माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, और यहां पर देखिए बी के स्थान, बी स्क्वायर के स्थान पर क्या, बी के स्थान पर रूट छ, तो रूट छ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रूट छ का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। आगे फिर से अब हल करेंगे तो यहां पर देखिए इसको तो वैसे को वैसे लिख दीजिए, रूट सात प्लस में रूट छ और बट्टे में, यहां पर देखिए रूट सात का स्क्वायर कितना होता है, रूट सात का स्क्वायर करेंगे तो देखिए सात का स्क्वायर सत्तर उनचास, और वो रूट में होगा तो रूट में उनचास अगर होगा तो यहां पर देखिए रूट सात का स्क्वायर का मतलब हो गया रूट सात गुने रूट सात, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया दो बार गुना खुद से, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा उनचास प्राप्त होगा, और उनचास का क्या होता है सात होता है, जब यहां पर दो बार रूट में हो तो हम एक ही बार क्या करते हैं रूट से बाहर करके लिख देते हैं, तो एक साथ लिख देंगे इस तरह से, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए, और रूट छह का स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट जो है स्वयं से दो बार गुना हो रहा है, रूट छह जो है स्वयं से रूट में इस तरह से गुना हो रहा है, और एक ही रूट में देंगे और उनको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो छह को छह से गुना करेंगे तो छत्तीस, और इसका जब वर्गमूल, वर्गमूल नहीं आता आप लोग तो वीडियो में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्गमूल सीखेंगे, अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तब तो यहां पर देखिए रूट छत्तीस का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर देखिए ये हमें छ प्राप्त हो, तो यही लिख देंगे छ, या फिर इस तरह से अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है जब रूट में क्या है छ और इसमें भी रूट में छ, तो दोनों को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, छ गुने छ एक ही रूट में दे करके लिख सकते हैं, छ गुने में छ, छ गुने छ लिख सकते हैं, और यहां पर जब एक ही रूट में अगर दो बार सेम संख्या हो तो हम क्या करते हैं एक बार उसको लिख देते हैं रूट से बाहर करके, इस तरह से इसको रूट से बाहर करेंगे और एक छ को बाहर लिख देंगे, इसमें दो बार है तो हम एक बार लिख देंगे और इसको हम रूट से निकाल देंगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, पीछे का या पीछे जो है या का चिन्ह लगा दीजिए और इसको ऊपर कर लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहां पर देखिए रूट में है सात प्लस में रूट में छ, और यहां पर देखिए सात में से हम छह को घटाएंगे तो बट्टे में हमें एक प्राप्त होगा, तो देखिए हर में अगर एक हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट सात प्लस में रूट में कितना है छ, तो यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमने दूसरा नंबर समझ लिया प्रश्न संख्या पांच का, आप देख लेते हैं प्रश्न संख्या पांच का तीसरा नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या पांच का तीसरा नंबर, इसको हम किस तरह से हल करेंगे, ये भी क्या है हर का प्रमेयकरण है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये होता है नीचे वाला हर ऊपर वाला होता है अंश, तो हर का क्या करना है प्रमेयकरण करना है, तो किस तरह से प्रमेयकरण करते हैं, इसमें देखिए दो पद है, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद, इसमें दो पद है, पहला पद हो गया रूट पांच और दूसरा पद हो गया रूट दो, तो इसको हम क्या करेंगे हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो ऊपर एक है तो एक लिख दीजिए, और बट्टे में, बट्टे में कितना लिखेंगे रूट में पांच है तो रूट में पांच, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, रूट में दो है तो रूट में दो, और गुना, गुना कितना से करेंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे और वही संख्या यहां पर भी लिख देंगे, बट्टे में भी और ऊपर में भी, ऊपर नीचा दोनों सेम संख्या, यही संख्या लिख देंगे, यहां पर है रूट में पांच तो रूट में पांच, और प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह सिर्फ बदल देंगे, यहां पर लिख देंगे माइनस का चिन्ह और यहां पर लिखेंगे रूट दो है तो रूट दो, और नीचे भी वही संख्या लिख देंगे रूट पांच माइनस रूट में दो। अब इसको हम हल करेंगे, हल किस तरह से करेंगे, यहां पर देखिए एक को हम गुना करेंगे रूट पांच माइनस रूट दो से तो वही संख्या प्राप्त होगा, ये हमारा संख्या प्राप्त होगा, तो यहां पर हो जाएगा रूट पांच माइनस में रूट दो, और बट्टे में कितना होगा, ये हमारा ए के स्थान पर, ये प्लस का चिन्ह और ये बी के स्थान पर, तो ए प्लस बी, और यहां पर देखिए ए के स्थान पर और ये बी के स्थान पे, अब कहिएगा ये तो हमारा ए की जगह पर देखिए रूट में पांच है तो यहां पर भी रूट पांच है तो इसको भी हम ए मानेंगे, क्योंकि हम ए जो है रूट पांच को जो हम ए माने तो यहां पर भी रूट पांच है तो हमने इसको ए माना, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, और यहां पर देखिए रूट दो है तो रूट दो को हमने बी माना तो यहां पर भी है रूट दो तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बी मानेंगे, चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर हमें क्या करना है तोड़ना है, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ना है, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या है रूट पांच है तो रूट पांच का स्क्वायर हो जाएगा, रूट पांच का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह, और यहां पर देखिए बी स्क्वायर की जगह पर, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है रूट दो, रूट दो का क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे रूट दो का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर तो वही लिख देंगे रूट पांच माइनस रूट दो और बटा में, देखिए रूट पांच का स्क्वायर हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर है तो हम इसमें एक बार लिख देंगे, यहां पर रूट से हम बाहर करके एक बार लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे पांच, इसको या तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं रूट में क्या लिखते हैं पचे पच्चीस लिखते हैं, रूट में इस तरह से लिख सकते थे रूट में पच्चीस और यहां पर माइनस में रूट में दो दुनी के चार, और जब इसको हल करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, देखिए यहां पर रूट में पांच है तो रूट में पांच माइनस रूट में दो और बट्टे में, यहां पर देखिए इसका जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो पांच प्राप्त होगा, पच्चीस क्या होता है पांच का स्क्वायर, यहां पर देखिए पच्चीस बराबर क्या होता है,
यहाँ पर देखिए, अगर ये इस तरह से हो तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर देखिए, रूट में अगर दो संख्या सेम हो तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम रूट से बाहर करके एक बार लिख देते हैं हम वही संख्या को। यहाँ पर 2 बार है तो हम इसमें एक बार लिख देंगे, 5 को रूट से बाहर कर देंगे, तो यही हो जाएगा 5 और ये माइनस में। और यहाँ पर देखिए, 4 के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 × 2। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो इसमें हम एक बार निकाल करके 2 को बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 को हम बाहर लिख दिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 5 माइनस रूट में 2 और बट्टे में, 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। यही हो जाएगा इसका उत्तर, यही हो गया हर का प्रमेयकरण। अब इसी तरह से यहाँ पर लास्ट नंबर है 1/√7 − 2। अब इसको खुद से बढ़ा करके पहले देख लीजिए, अगर नहीं बनता है तो हम आपको बताने के लिए है ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए, 1/√7 हर पद के पहला पद और ये दूसरा पद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √7 − 2 और इसको हम गुना करेंगे कितना से। हमने आपको क्या बताया, जब दो पद में हो, पहला पद दूसरा पद, तो हम क्या करते हैं, इसका सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं और वही संख्या से गुना भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुना का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, लिखेंगे √7 और चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, माइनस का है तो प्लस का चिन्ह, और ऊपर में 2 है तो 2 लिखे, और बट्टा में वही संख्या जो ऊपर लिखे वही नीचा भी लिखना है, √7 + 2। अब आगे हम क्या करेंगे, पीछे चिन्ह लगाइए बराबर का, फिर हम क्या करेंगे, 1 से हम गुना करेंगे √7 + 2 को, तो वही संख्या प्राप्त होगा √7 + 2, √7 + 2 और बट्टे में, बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक स्थान पर √7, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a, क्योंकि हमने √7 को क्या माना, a माना, और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, और b के स्थान पर क्या है, 2 है, b के स्थान पर 2, इसको क्वेश्चन में दे दीजिए तो a + b, और यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह और b की जगह पर है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। तो यहाँ पर देखिए, a − b × a + b बराबर, हमने आपको क्या बताया, a² − b² होता है, तो ये भी हमारा a² − b² पर टूटा है। तो देखिए, a² की जगह पर हमने क्या माना, √7 माना है, इसमें स्क्वायर लगा है तो हम √7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, a की जगह पर है √7, तो √7 लिख देंगे और इनका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और इसके बाद देखिए, माइनस का चिन्ह लगा है, सूत्र से हम तोड़ रहे हैं, ये सभी जितना भी है सभी सूत्र पर बन रहा है, a² − b² पे है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। अब देखिए, b² मतलब यहाँ पर देखिए, b के स्थान पर क्या है, 2 है, हमने 2 को b माना है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर है तो b के स्थान पर 2 है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए और बराबर में। अब देखिए, √7 है तो लिख दीजिए √7 और प्लस में है 2 तो प्लस में 2 और बट्टे में, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए √7 का स्क्वायर का मतलब हो गया √7 × 7। अब जब इसको हम यहाँ पर बाहर करेंगे रूट से, तो हमने आपको क्या बताया, हम 1 7 को लिख देंगे, 1 ही 7 लिखेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो हम 1 7 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7 और माइनस का चिन्ह, और ये देखिए, ये हमारा रूट में नहीं है, यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 कितना होता है, 4 प्राप्त होता है, 2 को 2 से गुना करें तो, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 2 जो है स्वयं से गुना हो रहा है, तो 2 × 2 = 4 तो लिख देंगे 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे के याक चिन्ह लगा दीजिए और बराबर में लिखेंगे √7 + 2 और बट्टे में, 7 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से 1.5 का जो है प्रश्न संख्या 5 तक हल हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।